प्रश्न इस प्रकार है कि मानिए कि एक संचार प्रणाली है जिसमें कि एन घटक है और हर एक घटक स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा इसकी प्रायिकता हम इंगित करते हैं पी से तो पूरी प्रणाली प्रभावी ढंग से काम कर सकती है यदि कम से कम उसके आधे घटक काम करते रहते हैं तो यह थोड़ा अगेन थोड़ा गुड़ प्रश्न है जिसमें कि हमारे को डाटा नहीं दिया हुआ है यहाँ एन घटक यहाँ एन एक स्थिरांक है हमें नहीं पता है एन की चर है जिसका कि मान कुछ भी हो सकता है तो उसके आधे घटक मतलब एन भागा दो तो ये अगर अगर इकाइयाँ उसकी काम करती रहती हैं तो पूरी प्रणाली काम करती रहेगी हमने इस तरह का प्रश्न पहले भी लिया था अगर आप याद करें पुरानी चर्चा में कि जिसको कि हमने समानांतर प्रणाली के पास तो ये उसी तरह का ही एक प्रणाली है जिसमें कि कुछ घटक के काम न करने के बाद भी पूरी प्रणाली काम कर सकती है लेकिन ये उससे थोड़ा विभिन्न स्थिति है जिसमें कि हम उस प्रणाली के आधे घटक को काम करने को इंगित कर रहे हैं न कि किसी एक घटक के काम करने तो हमें इस प्रश्न में दो तरह की प्रायिकता का अनुमान करने के लिए बोला गया है पहली प्रायिकता कि प्रायिकता P के किस मान के लिए प्रायिकता P जो हमने माना है वो भी एक स्थिरांक है अनुमानित है वो किस मान के लिए एक पाँच घटक का की प्रणाली ज़्यादा संभावी होगी प्रभावी रूप से काम करने के लिए मतलब काम करने के लिए एक तीन घटक की प्रणाली से तो पहले हम इस प्रश्न का हल निकालते हैं फिर इस दूसरे भाग में इस प्रश्न में इसी इसी चीज़ को थोड़ा और साधारण रूप से व्यक्त किया गया है जब यह पूछा गया है कि एक दो के धन एक घटक की प्रणाली दो के ऋण एक घटक की प्रणाली से बेहतर होती है तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे अगर के का मान अगर हम दो रखें तो हम देख सकते हैं ये पूर्व के प्रश्न की ओर हो जाता है कि पांच घटक की प्रणाली तीन घटक की प्रणाली से बेहतर काम करेगी या ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम करेगी तो यह पहला प्रश्न एक विशेष संख्या पर आधारित है इस प्रणाली के घटकों की और दूसरा उनके उसी परिणाम को हमने और साधारण कर दिया है तो आइए इनके हल की ओर बढ़ें तो पहले भाग में हम यह देख सकते हैं क्योंकि कार्यात्मक रूप से घटकों की संख्या जो है एक द्विपद है द्विपद याक्षिक चर है यहाँ पे दो चर हैं एक तो कितने घटक हैं प्रणाली में जो कि हमने एन संघित किया है और हर एक घटक के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की संभावना जिसको कि हमने पी से अंकित किया तो यह द्विचर है ये द्विपद चर है जिसमें कि दो चर एन और पी साथ में रखें तो इसके अनुसरण से एक पांच घटक की प्रणाली के प्रभावी होने की प्रायिकता निम्न प्रकार दी जा सकती है कैसे हमें पता है कि कोई पांच घटक की प्रणाली है तो एन का मान तीन है और बी तो हमारी प्रायिकता है जो कि ज्ञात नहीं है एक एक के रूप में ज्ञात है तो पाँच घटक की प्रणाली में आधे से ज़्यादा पाँच का आधा दो दशमलव पाँच होता है जो कि एक पूर्ण नहीं है तो हम उसको तीन मांगेंगे क्योंकि कोई आधी प्रणाली का तो कोई है नहीं प्रणाली तो हमेशा घटक पूर्ण ही होंगे तो हम पाँच का आधा से अगर घटक काम करने हैं तो आधे घटक की संख्या होगी तीन तो पाँच में से तीन घटक जो काम करते हैं उसकी प्रायिकता हम लिख सकते हैं चूंकि सारे घटक स्वतंत्र हैं काम करने के लिए तो पी घात तीन और चूँकि दो घटक काम नहीं करते हैं तो उनकी प्रायिकता हो, हो जाएगी एक ऋण पी जो कि काम न करने की प्रायिकता है चूंकि दो घटक स्वतंत्र रूप से काम नहीं करेंगे इसकी प्रायिकता हो जाएगी एक ऋण p घात दो तो यह तो प्रायिकता हो गई एक स्थिति की जब बिल्कुल आधे से थोड़ा ज़्यादा पूर्ण घटक काम करते हैं लेकिन चूँकि पाँच घटक हैं तो वह दशा जिसमें कि चार घटक काम करते हैं भी इसको संतुष्ट करेगी तो अब हम देख सकते हैं कि पाँच में से चार घटक कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं जिसका कि मान आपको पहले से ही पता है कि पाँच सी चार होगा और चूँकि चार घटक काम कर रहे हैं इनकी प्रायिकता पी घात चार होगी और एक घटक नहीं काम करेगा कोई एक घटक उसकी प्रायिकता एक ऋण पी हो जाएगी इसी तरह जब पाँच के पाँचों घटक काम करते हैं वो भी एक स्थिति होगी जो कि इसी के अनुकूल होगी कि कम से कम प्रायिकता काम करती है तो उसमें आप देख सकते हैं पाँच में से पाँचों को चुनने की कोई प्रायिकता तो नहीं होगी एक ही तरीका होगा तो वो पद नहीं लिखा है वो प्रकार तो एक ही है और सारे घटक काम कर रहे हैं तो इसलिए उनकी खुल की प्रायिकता हो जाएगी पापी घात पाँच तो यह सारी प्रायिकताओं का योग ही होगा एक पांच घटक के प्रभावी काम करने के लिए ये सारी परिस्थितियां हमने गणना कर ली इसी प्रकार अगर हम यही प्रायिकता की काम प्रभाव प्रभावी रहने की प्रायिकता को अगर एक तीन घटक की प्रणाली के लिए निकालेंगे तो इसी तरह हम इसको निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं वह इस प्रकार होगा कि तीन घटक की प्रणाली का आधा एक दशमलव पाँच होता है जिसको कि हम पूर्ण करने के लिए दो करेंगे तो यह केवल दो परिस्थितियाँ ही उत्पन्न करेगी एक जब तीन में से दो घटक काम करें जिनको कि चुनने की कुल प्रकार तीन सी दो होंगे और चूँकि दो घटक काम कर रहे हैं और एक घटक नहीं काम इनकी प्रायिकता, उनकी खुद की प्रायिकताओं और चूंकि ये सारे स्वतंत्र हैं तो इनकी प्रायिकताओं के गुणन अनुकूल प्रायिकताओं के गुणन से हम प्राप्त कर सकते हैं इसमें केवल चूंकि तीन ही घटक हैं और तो एक वो भी स्थिति होगी कि सारे के सारे घटक काम करें तो उस दशा में जो प्रायिकता होगी वह घात तीन होगी तो अतः यह दो प्रायिकताओं के योग से ही इस दशा में हमें पूर्ण प्रायिकता मिल जाएगी प्रभावी होने की अब हमारे पास यह है कि पांच घटक का जो प्रणाली है वो ज़्यादा प्रभावी मीन्स यह प्रायिकता जो हमने निकाल रखी है अगर पाँच घटक के लिए वह ज़्यादा होती है तीन घटक के तो यह हमने ज़्यादा का संबंध लगा दिया अब यह संबंध कर दिया इस संबंध में ये सारे प्रायिकताओं को हम बड़े आसानी से सरलीकृत कर सकते हैं चूँकि हमें पाँच सी तीन का मान और इन्हीं सभी प्रकार का मान ज्ञात है उनको इस्तेमाल करते हुए हम इसको सरलीकृत कर सकते हैं निम्न प्रकार और वह पद आता है p गुणन p ऋण एक घात दो और अन्य पद दो पी ऋण एक यह सब का गुणन ज़्यादा होगा शून्य से तो यह हमें तीन तरह की प्रतिबंध पी पर देते हैं एक कि पी शून्य से बड़ा है वह एक बहुत ही तुच्छ और यह बहुत ही ट्रिवियल सा परिणाम है प्रयक्ता पी अगर एक से बड़ी होगी तो होगी ही हो होगी शून्य से बड़ी होगी अदरवाइज अगर किसी भी घटक में प्रायिकता अगर शून्य हो जाएगी तो वो तो प्रणाली काम ही नहीं करेगी तो यह तो एक तुच्छ सा परिणाम है दूसरा परिणाम हमें मिलता है कि अगर हम दूसरे पद को इस्तेमाल करें पी ऋण एक वाले को तो उससे हमको पता है पी का मान एक है यह भी एक विशेष प्रायिकता है वो भी तुच्छ या ट्रिवियल है कि अगर सारे घटक अगर हमेशा ही काम करेंगे तो फिर यह प्रश्न होगा नहीं कि तीन घटक की प्रणाली जो होगी वो पांच घटक की प्रणाली से कम प्रभावी होगी क्योंकि हमेशा ही जब कोई भी घटक काम करना बंद ही नहीं करेंगे तो कोई भी प्रणाली चाहे एक घटक की हो चाहे ज़्यादा घटक की हो वो बराबर ही रहेगी अतः हमें एक और तीसरा संबंध जिससे पता चलता है कि P का मान एक बटा दो से ज़्यादा होना चाहिए यह एक तर्क परिणाम है अतः हमें पता चलता है जब ऐसे किसी घटक में ये सारे घटकों की प्रायिकता का मान अगर ये दशमलव पाँच से ज़्यादा होता है तो पाँच घटकों का प्रणाली तीन घटकों की प्रणाली से ज़्यादा प्रभावी काम करेगी आइए अब इस परिणाम को और साधारण बनाएं जैसा कि प्रश्न के बी भाग में पूछा गया है कि क्या यह परिणाम टू के धन एक वाला घटक के, के, के प्रणाली का बेहतर होना इंगित करेगी टू के ऋण एक घटकों के प्रणाली के तो ये इसी प्रश्न पूछा है इसी को साधारण करने की बात है तो हम ये मान के चलेंगे साधारणता यह सही होगा क्योंकि हम देख सकते हैं अगर के का मान अगर हम दो रखें तो हमने पूर्व में ही निकाल रखा कि पाँच घटक की प्रणाली तीन से होगी तो वही इसका एक मान है तो आशा तो यही है कि यह साधारणता भी सही होगा यह कथन जब पी का मान एक बटा दो से ज़्यादा होगा लेकिन इसे हमको इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी तो आइए इसकी पुष्टि करके देखते हैं कि पुष्टि कैसे की जाएगी तो इस कथन की पुष्टि करने के लिए हम ये माने दो के धन एक की घटकों की एक प्रणाली को ले और माने कि एक्स उस एक्स एक याद सिक्चर है वो इस संख्या को दर्शाता है कि पहले दो के ऋण एक घटकों की संख्या जो काम करते हैं तब हम इस घटक के प्रभावी होने की प्रायिकता को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं वो क्या होगी कि हमें तीन दशाएँ प्राप्त होंगी कि एक दो के धन एक घटकों का कोई प्रणाली ज़्यादा प्रभावी होगी दिए हुए कथन के में दिए हुए संबंधों के अनुसार जब दो के धन एक का आधा होगा के धन एक बटा दो चूँकि एक बटा दो एक इकाई नहीं है पूर्ण करने के लिए तो हम बोलेंगे कि जब उस याद शिक्षर एक जो कि काम करने वालों की संख्या है अगर उसका मान के धन एक से ज़्यादा या उसके बराबर होता है या वह याद शिक्षर का मान के हो और ये हम मान के चले कि एक कम से कम एक प्रणाली जो दो प्रणाली में से काम कर रही है और जब उसका मान के ऋण एक होता है तो दो के दोनों प्रणाली को काम करना पड़ेगा तो यह है जो प्रायिकता है वो इस बात का अनुसरण करती है कि दो के धन एक घटकों की प्रणाली प्रभावी होगी यदि अगर उनमें से आधे जहाँ जिसका की मान होगा कि धन एक के बराबर या उससे बड़ा या अगर उसमें से के घटक ही काम कर रहे हैं तो बचे हुए दो घटक में कम से कम एक काम करें तो आप देख सकते हैं बचे हुए घटक के कम से कम एक काम करने की प्रायिकता हमने पुनः उस तरह निकाली पूरी प्रायिकता में से दोनों के काम न करने की प्रायिकता को घटा दिया तो इस तरह हमें ये पूरा तरीके से ये प्रायिकता निकल गई और फिर हम तीसरे दशा में जब ये मान के चल रहे हैं कि केवल के माइनस के वन घटक ही काम कर रहे हैं तो दो बचे हुए घटक जो है वो उनको काम ही करना पड़ेगा तभी टू के धन एक की प्रणाली जो होगी वो प्रभावी रहेगी तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि अगर दो के ऋण एक घटकों वाली प्रणाली को अगर प्रभावी होना है तो उसके लिए प्रायिकता कैसे लिखी जा सकती है वो प्रायिकता होगी कि उसमें से जो घटक जो काम करेंगे उनकी संख्या के से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि टू के ऋण एक का आधा होता है के ऋण एक बटा दो इसको पूर्ण करने के लिए हमें इसे खे करना पड़ेगा तो इसलिए यह हमारे जो यादृच्छिक चर का मान होगा या तो के या के से बड़ा होगा जिससे कि हम दो छोटी छोटी घटनाओं की प्रायिकताओं से तोड़ सकते हैं एक जब यादृच्छिक चर का मान के हो या, या के से बड़ा हो के धन एक के बराबर या उससे बड़ा हो हमने ऐसा इसको किया क्योंकि अगर हम पूर्व की प्रायिकता को देखें उनको भी हमने इन्हीं इन्हीं प्रायिकताओं के संबंध में तोड़ के रखा है जिससे कि हमें इस में एक बड़े सिस्टम के जो हमारा टू के धन एक घटकों का की को ज़्यादा प्रभावित की प्रायिकता निकालने में सहायता प्राप्त होगी तो हम जानते हैं कि दोनों प्रायिकताओं के हमने गणन कर लिया तो उस तरह हम उन दोनों की प्रायिकताओं को घटाते हैं तो घटाने पर हम देख सकते हैं कि यह इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है इनको बड़ी आसानी से आप दोनों प्रायिकताओं को दोनों फलक जो आप दो स्लाइड हमने दिखाया, है उसमें देखकर निकाल सकते हैं जब यह निकल जाएगा तो हम इसको जानते हैं कि या शिक्षिक्चर या का किरण एक लेने की कुल कितनी संभावनाएं होंगी उनको उससे और हर एक संभावना में चूंकि ये ये घटनाएँ है स्वतंत्र हैं सारे घटकों का काम करना स्वतंत्र है तो पूर्व की तरह हम इन प्रायिकताओं को हम उन सारी संभावनाओं प्लस एक एक संभावनाओं में होने वाली घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणन से ज्ञात कर सकते हैं जिसे कि हम अगर सरलीकृत करें तो सरलीकृत करने पर हम यह दिखा सकते हैं कि इस दशा में भी हमें वही प्रतिबंध प्राप्त होता है पी प्रायिकता पे कि उसका महान दशमलव पाँच से ज़्यादा होना चाहिए अतः हमने इस कथन को साधारणतः सिद्ध कर दिया कि अगर कोई भी दो के धन एक घटकों की प्रणाली है वह ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करेगी जब वह उसके आधे घटक यह हमें प्रतिबंध दिया हुआ है कि अगर प्रणाली के आधे घटक अगर काम करेंगे तो वह प्रभावी रहेगी तो इस दशा में वह ज़्यादा प्रभावी होगी दो के ऋण एक घटकों की प्रणाली से यह एक साधारण सत्य है और इस दशा में अतः यही हमने इस प्रश्न में हल करके दिखाया है